तो आज आप सभी के बैग चेक होंगे। सर नहीं सर, प्लीज सर, नहीं 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 सर, ये पढ़ने आते हो तुम? तुमको तो मैं 15 दिन के लिए रेस्ट्रिक्ट कराऊंगा। और हाँ तो सर, बैग चेक करना है, पहले मेरा कर लो, ये लो। बेटा मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी काम हो, बेझिझक संपर्क करो, एकदम निसंकोच। सुने आप लखनऊ का मैच देखने गए थे? जी जी जी, भाभी से जर्सी ले लिए हैं, स्टेडियम के बाहर फोटो भी खिंचा लिए हैं। नहीं नहीं, मैच देखने नहीं आए, बस आप वही थोड़ा टिकट का फोटो भेज देते तो व्हाट्सएप पर स्टेटस मेंटेन करके भौकाल टाइट कर देते एकदम। जी 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 भैया, प्रणाम भैया। हाँ यार, सपना तो ये है कि जब हम घर से निकले तो एक गाड़ी पुलिस की आगे हो, एक पीछे हो, बीच में हम हो और रास्ता पूरा क्लियर होता रहे, फुल सिक्योरिटी। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन पुलिस वाली गाड़ी में तुम रहोगे और पीछे पीछे तुम्हारे घर वाले रहेंगे। भोसड़ी के, सिक्योरिटी चाहिए इनको, रास्ता क्लियर करवाना है। मैडम कालर ट्यून सेट करना था। जी, गाने का नाम है बतावा ए गोरी हमरे गन्ना के रोस, तोरा ढोड़ी में सही सही जाता कि ना। नहीं हो पाएगा तो फिर ये वाला कर दीजिए, मिस कॉल मारा तारू किस दे बुका हो। फोन कट कर दिया यार, गजब बेइज्जती। तो बेटा ये बताओ कि तुमने पिछला स्कूल क्यों छोड़ दिया? सर अब आपसे क्या ही छुपाना, पिताजी हमारे होलसेल कट्टे के व्यापारी हैं, हम उसी को स्कूल में ला के रिटेल कर दिया करते थे, लेकिन उसी में मई। बस बस, समझ गए, बैठो बैठो। हाँ तो बच्चों, कल क्या पढ़ा रहे थे? नमस्कार सर। सर फार्चूनर ही नहीं, फार्चूनर, स्कॉर्पियो, सफारी, इन तीनों गाड़ियों पे हम 80-90% कैश लेते हैं, 10-20% फाइनेंस करते हैं। सर दिक्कत और कोई नहीं है, जब से क्रिमिनल और पॉलिटिशियन लोगों ने इस गाड़ी को यूज करना शुरू किया तब से गाड़ी ही क्रिमिनलाइज हो गई। पैसा नहीं मिल पाता है सर, रिकवरी में दिक्कत आती है। ये जी प्रणाम भैया जी, अभी अभी देखे हैं दरोगा जी अपनी नीली वाली जीप से सीधे आपके घर की ओर गए हैं, हम तो ये कहेंगे धरे जाने से पहले भाग लीजिए। एक बात बताओ, भोसड़ी के लंठ ही हो क्या? दरोगा जी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, विदेश जा रहे हैं और क्या, काठमांडू नेपाल, फुल एसी मस्ती। हेलो यार गुल्लू, एक बात बताओ यार, ये बालूड़ वाले शादी करते हुए इतना हंसते क्यों हैं यार? और कल तो मैं देख रहा था दोनों लोग मुंह मुंह डाल के किस कर रहे थे यार। यहाँ पर हमारे भैया के घर वालों से इतनी गांड फटती है कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर आज तक भाभी का हाथ नहीं पकड़ा, और यहाँ पर साला खुल्लम खुल्ला चुम्मा चाटी हो रही है यार। ऐसे कहीं बैठे हुए हैं, टेबल पर रख दिया, थोड़ा भौकाल टाइट हो गया, जैसे किसी दोस्त यार की शादी में गए, वहाँ पे एक दो फायर कर दिए, पोल्यूशन भी कम होता है, आवाज़ भी आ जाती है, थोड़ा भौकाल भी टाइट हो जाता है। जैसे कहीं किसी से लड़ाई हो गई तो भाई गोली तो चलानी नहीं है, तान दिया, सामने वाला डाउन हो गया, भौकाल टाइट हो गया। कमर पे लग जाता है तो थोड़ा चाल में एटीट्यूड आ जाता है, स्वैग आ जाता है, तो भौकाल टाइट करना है। अरे जाना यार, सुबह सुबह दिमाग का भोसड़ा मत कर यार, एक तो पहले ही दिमाग खराब है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मैडम, घर पर सब कैसे हैं? देखिए आपके पास तो हमारा पर्सनल नंबर है, लेकिन हमारे पास आपका नहीं है, तो पर्सनल से करिए, जितने का कहेंगे और जितनी मात्रा में कहेंगे खरीद लूंगा। से कोई नई गाड़ी लाया है, खाली रोड है, इंजन चेक कर लिया, दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, कोई बढ़िया लड़की दिख गई तो थोड़ा भगा के बाल बाल लहरा लिए, रास्ते में जा रहे हैं कोई टशन ले रहा है, कोई मतलब धौंस दिखा रहा है तो थोड़ा उससे आगे निकल गए, तो अब इसको आप ओवर स्पीडिंग थोड़ी कह सकते हैं। बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट इन दिस शॉर्ट ड्रेस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ईट यू अप टुनाइट। उठे बुलबुला जब देखी तहर खुला दरवाजा। हाँ बेबी, कोई भी ओयो बुक कर दो और मैं तुमसे पहले पहुंच के वहाँ पेमेंट कर रहा हूँ। और हाँ, 18 प्लस वाली आईडी लाना मत भूलना। अरे नहीं जी नहीं, फुल सख्त लौंडे हैं, वो बात अलग है कि भाई रात में कभी कुछ इधर उधर देख लिया तो नेचर्स कॉल आ जाता है, समझ रहे हैं? फिर दोस्तों के साथ किसी क्लब चले गए, वहां पे सिर्फ कपल ही अलाउड है, तो फिर ये लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी। फिर कभी जिंदगी से जब जूते पड़ते हैं ना, तो ये लगता है कि यार सुख दुख बांटने के लिए कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी, बाकी फुल सख्त लौंडे हैं। अरे कलियां, हम और गुल्लू बैठकर चौराहे पर छुट्टे बाजी कर रहे थे, तब तक देख रहे हैं उधर से एक जेसीबी आ रही है, जेसीबी या देखते ही मान गुल्लू गणिया हवा होइए, गुल्लू गणिया फाट दरवाजा होइए, जलता सुट्टा फेंक कर दौड़ते दौड़ते लौटा गया और पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? तब उसने बताया भैया कोई मिट्टी खोदने के लिए बुलाया है, तब जा गुल्लू जान में जान आई और बनते हैं बहुत बड़े गैंगस्टर। भोसड़ी, तुम्हें पता है कि गाड़ी 1.5 करोड़ की है, मुझे पता है 1.5 करोड़ की है, लेकिन लोगों को थोड़ी पता है। इतने में भाई साहब 10 स्कॉर्पियो आती, जहां से निकलते ना गर्दा गर्दा हो जाता, और जब उतरने लगते लोग तुम्हारे चरणों में आ जाते, भैया पैर गंदे हो जाएंगे। काहे प्रूव कर देते हो यार कि बड़े बाप के बेटे लंट होते। हेलो हाँ, तुम खड़े हो जाओ, ये कॉलर के बटन क्यों खुले? सर सॉरी सर, अभी बंद कर लेता हूँ सर। हाँ सर, सर बटन ही नहीं है, हमको लगता है ये ऐसे ही रहता है क्या? भाई देख, मैं नहीं बैठूंगा गुल्लू के पास, ये बहुत बड़े खुरा पाती हैं। जैसे ही गुरुजी ब्लैक बोर्ड की तरफ लिखने चलते हैं, ये इधर से मिसकाल मारना शुरू करते हैं, और तब तक मिसकाल मारते हैं जब तक कि गुरुजी अपना मोबाइल स्विच ऑफ न कर लें, तो किस दिन खुद तो फंसेंगे और मुझे भी फंसाएंगे, और मेरे बाप की कोई दारू की दुकान तो है नहीं कि मैं अगले दिन वहां दारू बेचने लगूंगा। अरे आ गए बेटा, बैठो बैठो। जी जी आंटी, धन्यवाद। आजकल बहुत लड़कियों के साथ घूम रहे हो, हम देखे थे तुमको मार्केट। बहुत तो क्या है, ठीक ही है। कौन थी वो? वो लड़की ही थी ना, कोई एलियन तो थी नहीं कि आपको रिसर्च करना है कि कौन से ग्रह से थी, कहां से मिली, आपकी बहू कौन से कमरे से कितने बजे निकलती है ये आपको पता नहीं है, और आपको हमारी वाली ज्यादा पड़ी है। सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी बैठे हैं कुछ भी बोलेंगी। यार कलिया गुल्लू बहुत मार खा गया यार,
अरे हम और गुल्लू एक बारात में गए थे, वहाँ पर गुल्लू समझ नहीं पाए, ऊट पटांग गाना चलवा दिया और ऊपर से दुल्हन और दुल्हन की बहन को देख कर गाना गा रहे हैं। नहीं हर के छाटल छिनारे अरे यार इनके साथ कहीं जाने लायक है नहीं यार, नहीं तो खुद बीमार खा जाएंगे।